नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों। मैं हूँ सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त राजघाट पे और मैं आया हूँ गांधी जी के जो समाधि है उनको, उनके दर्शन करने। तो आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं राजघाट में। और ये भी काफ़ी फेमस जगह है, मुझे कहने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। और गांधी जी इतने फेमस है, गांधी जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है ये सब हम सब जानते हैं। तो आइए दोस्तों, राजघाट के अंदर चलते हैं। तो ये जो राजघाट है ना, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर जा सकते हो, खाली एक थोड़ा जो सिक्योरिटी चेक कराना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने करा लिया मेरा सिक्योरिटी चेक और देखिए ये अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे आपको जो है ना, अपना जो जूते है वो यहाँ पे निकाल देने, यहाँ पे आपको रखने और फिर आपको अंदर प्रवेश करना है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं। और ये देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। मैंने आपसे कहा कि फेमस जगह है और यहाँ पे आना भी चाहिए, जो हम जितने भी हिंदुस्तानी है तो यहाँ पे उनको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आके गांधी जी को एक सम्मान दीजिए, एक श्रद्धांजलि के तौर पे आपको यहाँ पे आना चाहिए, एक श्रद्धांजलि देने आपको यहाँ पे आना चाहिए। बाकी देखिए, मेरे साथ बने रहे, मैं आपको आगे भी उनके समाधि के दर्शन कराऊंगा। तो ये आपको सामने, तो वैसे सामने ही है ये देखिए, लेकिन पास से आपको और अच्छा नज़र आएगी। तो बाकी तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और ये जो राजघाट है उसका जो समय कुछ ऐसा है, उसका कुछ टाइमिंग कुछ ऐसा है, सुबह 6:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी मॉर्निंग 6:30 AM से इवनिंग के 6 PM तक। तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। और ये जय बापू, जय गांधी जी, देखिए है ना। और ये जो डिज़ाइन है ना, चेंज होते रहती है, फ्लावर्स से ये डिज़ाइन को यहाँ पे करते हैं, महात्मा गांधी जी के जो समाधि के ऊपर। तो ये देखिए, खाली अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं से आप जो है वो उन्हें समाधि के दर्शन करिए। बाकी और ये जो जोत है वो पूरे 24 घंटे ये जलती रहती है। और देखिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए है ना, तो यहाँ पे आके एक गर्व सा महसूस होता है, और आपको भी होगा। यहाँ पे ज़रूर आइए, आपकी फैमिली के साथ आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, इसका कोई चार्ज नहीं है। और टाइमिंग के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया, तो यहाँ पे आइए ज़रूर। और जय गांधी जी, बापू गांधी, गांधी जी अमर रहे, हे राम गांधी जी। तो यहाँ पे देखिए, और जो छोटे बच्चों को भी, आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाइए, ताकि आप उनको बता पाए, आपको आप उनको कुछ सिखा पाए गांधी जी के बारे में। ये जो जगह है ना, ये हमें प्रेरणा देती है देशभक्ति की, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और पूरी फैमिली के साथ आना चाहिए, पूरी फैमिली के साथ ही आना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इस राजघाट को जो मेंटेन किया गया है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। और देखिए यहाँ पे ऊपर गार्डन भी है, हम ऊपर से भी व्यू मैं आपको शो करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। बाकी ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह ये। और समाधि तो आप दो पल के, तो थोड़ा मैं भी थोड़ा जरा, मैं थोड़ा पता नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ उनके बारे में, मैं भावुक हूँ। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा जरा भावुक हो गया हूँ, तो अभी थोड़ा मैं जब भी थोड़ा भावुक होता हूँ तो मुझे जरा बोलने में जरा आगे पीछे हो जाता है। तो बहुत बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे ज़रूर आइए। और आइए हम ऊपर भी चलेंगे,
मैं आपको ऊपर से भी मैं व्यू दिखाऊंगा और समाधि का, और ऊपर से भी दिखाऊंगा कि आपको कैसा दिखता है, या ऊपर से जो ऊपर आप सामने देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ऊपर लोग चल भी रहे, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। एक्चुअली हम वहीं पे जा रहे हैं, और ये देखिए है ना, काफ़ी बड़ी जगह है और होनी भी चाहिए इतनी बड़ी। आज गांधी जी भी एकदम पता है ना, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो यहाँ पे देखिए, आइए आइए आगे आगे चलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि आप है ना, जो अपने शूज़ है वो बाहर को निकाल ले, देखो सब ने निकाल दिए, तो ये सब आपके शूज़ है वो बाहर ही आपको रखने हैं। और जब यहाँ पे आ गए, जब आप वापस अंदर नहीं जाना चाहते तो आप शूज़ पहन सकते हो, लेकिन अगर यदि वापस अंदर जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप जो शूज़ है वो निकाल के यहाँ पे काउंटर पे दे दीजिए। ये देखिए हम ऊपर चलते हैं, आइए देखिए बहुत बड़ी जगह है। अब सोचो उस समय यहाँ पे कितने लोग हो गए जब गांधी जी को यहाँ पे लाया गया था, उनकी जो आखिरी लास्ट राइड करने के लिए, जो अंतिम संस्कार के लिए जो गांधी जी को यहाँ पे लाया गया था, तो उस समय यहाँ पे कितने सारे लोग हो गए। ये पूरी ये जो जगह है पूरी खचाखच भरी हुई थी। और आइए ऊपर चलते हैं, आइए, बहुत अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिला। और जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे आके एक घर सा महसूस हो रहा है, तो आपको भी होगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे ज़रूर आइए। और ये देखिए यहाँ से आप ऊपर, ये देखिए सामने, देखिए ये ऊपर से आप जो समाधि का जो व्यू लेते हुए, ये आपको यहाँ ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, आपको सामने समाधि का व्यू दिख रहा है। और देखिए कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आ रहे आ रहे, ये देखिए। और ये गार्डन एक्चुअली पूरा साइड में पूरा गार्डन बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जहाँ से मैं ऊपर आया था वहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता है। और देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वीडियो भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। मेरे गुरु रफ़ी साहब के कुछ बोल गांधी जी के ऊपर, बापू तुमने प्राण दिए और मौत की शान बढ़ाई, बापू तुमने खून दिया और प्यार की ज्योत जलाई, जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी, जिसने हिंदू मुस्लिम में एक डोर प्यार की बांधी। याद रहे बापू की कहानी, भूल न इसको जाए हम, बापू ने जो दिया जलाया उसकी ज्योत बढ़ाए हम, जय गांधी जय गांधी जय गांधी।